कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है। कैसे? आप एक काम करें, आप एक सेल लेके आए, सिर्फ एक सेल, इसको कनेक्ट करें इसके टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के साथ, बैलेंस करें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो, बैलेंसिंग लेंथ L1। मुझे सिर्फ एक चीज़ का आंसर दें कि जब ये बैलेंस हो चुका है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ चुकी है, क्या ये बैटरी अपने अंदर से करंट बाहर निकालेगी? नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, नहीं निकालेगी। लेकिन जब ये बैलेंस नहीं था तब ये करंट बाहर निकालेगी? हाँ, तब निकाल सकती थी, पर क्योंकि गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग जीरो मार्क कर दी, इसका मतलब इसमें से करंट बाहर नहीं निकल रहा। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? E1। तो यहां भी क्या डेवलप हो जाएगा? E1। क्योंकि अगर ये करंट बाहर निकालती फिर ये E डेवलप ना करता, फिर ये V डेवलप करता, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पर कि करंट बाहर निकला नहीं तो E1 का E1 डेवलप हो गया। और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है? E1 प्रोपोर्शनल टू L1 और कॉन्स्टेंट K लगे। फिर आप पहली बैटरी हटा दें, दूसरी बैटरी लगा दें E2, उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकाल लें जो कि आएगी L2। तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2 कॉन्स्टेंट K आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दें, आंसर आ गया। तो दो EMF की रेशो आ गई। आपको पहले सेल की बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, दूसरे सेल की बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, दोनों को डिवाइड करना है, तो दोनों की EMF की रेशो आ जाएगी। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो EMF कैसे कंपेयर करते हैं, क्लियर है?